स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीकेआर किचन में। मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित, फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ाही पनीर, कि बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप किसी भी टाइम किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी त्योहार पर आसानी से घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट के जायके वाला कड़ाही पनीर बना के तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आज इजी तरीके से आपको कड़ाही पनीर बना के बताती हूँ। तो आइए फटाफट से झटपट से बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कड़ाही पनीर। कड़ाही पनीर बनाने के लिए हमने 2 छोटे चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे और यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं। 2 हमने टमाटर ले लिए हैं, टमाटर को रफली चॉप काटा है। और 1 बड़े साइज का हमने प्याज ले लिया है, उसे भी रफली काट लिया है। 10-15 हमने काजू ले लिए हैं और 10-12 लहसुन की कलियां ले ली है हमने। और 1 बड़ी हरी मिर्च को भी हमने रफली काट के ले लिया है। तो इन सभी को हम ऑयल में हल्का सा 2-3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे और फिर इसको हम प्यूरी बना के तैयार करेंगे। तो पहले हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो ऑयल यहाँ गर्म हो गया है, तो इसमें हम ये सभी सामग्री ऐड कर देते हैं, प्याज, काजू, हरी मिर्च, लहसुन और ये टमाटर। इन सभी को एक साथ ही ऐड कर देंगे और इनको सॉटे करेंगे 2-3 मिनट के लिए, कि जो हमने सब्जियां ली वो हल्की सी हमारी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज्यादा हमको इनको पकाना नहीं है, क्योंकि इनका हमको पेस्ट बना के रेडी करेंगे हम। अब इनको हम 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक देंगे कि प्याज और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका जो हल्का सा कच्चापन भी निकल जाएगा। तो ये हमारे प्याज, टमाटर, काजू, लहसुन वगैरह सारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं और इनको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इनकी प्यूरी बना के तैयार करेंगे। तो अब हम सब्जियों को थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है 250 ग्राम के करीब पनीर। पनीर को हमने चौकोर क्यूब्स में काट लिया है और यहाँ ले लिए हमने 2 बड़े साइज के प्याज। उनको भी हमने अलग अलग लेयर्स में प्याज को अलग करके वो बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और 2 बड़े साइज के हमने ले लिए कैप्सिकम। तो शिमला मिर्च को भी हमने इसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो इन सभी सब्जियों को हमें हल्का सा ऑयल में हम भुनेंगे, फ्राई करेंगे इनको। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और सबसे पहले हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो गैस को बिल्कुल हम स्लो रखेंगे, क्योंकि पनीर जो हमारा हल्का सा मॉइस्चर होता है पनीर में, क्योंकि हम उसको पानी में डुबो के रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ऑयल जो है हमारा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो गैस को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे और एक एक पनीर के जो पीसेस है उनको हम कढ़ाई में लगा देंगे शैलो फ्राई होने के लिए। और हल्का सा हम पनीर को दोनों तरफ से भून लेंगे। और एक तरफ से हमारा पनीर हल्का सा लाइट फ्राई हो जाए तो उसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से शैलो फ्राई करके निकाल लिया है। तो अब हम प्याज और कैप्सिकम को भी हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। गैस को बिल्कुल हम स्लो करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च भी दोनों तरफ से फ्राई हो गई है, तो हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमारा ये मसाला जो हमने
फ्राई किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, काजू लहसुन प्याज और हरी मिर्च का। तो इसको हम बिना पानी डाले मिक्सी में प्यूरी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल फाइन हमने प्यूरी बना के तैयार कर ली है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है बिना पानी डाले, क्योंकि टमाटर की हेल्प से ही काफी अच्छी प्यूरी बन के तैयार हो जाती है, तो पानी डालने से जो है टेस्ट खराब हो जाता है। और यहाँ हमने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम कढ़ाई पनीर के लिए ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो ऑयल को हम पहले गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, और जीरे को हम थोड़ा सा फ्राई को होने देंगे, और थोड़ी सी हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब। अगर आप चाहें तो इसमें तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची का भी तड़का लगा सकते हैं, काफी अच्छा फ्लेवर आता है। तो हींग और जीरे की फ्राई हो जाने के बाद हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च और हल्दी। तो लाल मिर्च और हल्दी डालते ही तुरंत हमको पेस्ट इसमें ऐड कर देना है, ताकि हमारी जो लाल मिर्च है वो जले नहीं। तो ये लाल मिर्च और हल्दी हमने डाल दी है इसमें, थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं ऑयल में, और तुरंत हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। और एक बार हमने गैस को थोड़ा ऑफ कर लिया है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं, लाल मिर्च बहुत ही जल्दी जल जाती है। और इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसको थोड़ा सा रेगुलर हम चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने काजू ऐड किया है, तो जो काजू है वो फटाफट से बर्तन में चिपकना शुरू हो जाता है। गैस हमने अभी बंद किया हुआ है, थोड़ा सा हम ग्रेवी में इसको मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार, और फिर हम फिर से गैस को ऑन करेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी काफी गर्म है और लाल मिर्च हमारी बहुत ही जल्दी जलना शुरू हो जाती है ऑयल में जाते ही। तो इस तरीके से ऑयल में जब हम लाल मिर्च ऐड करते हैं तो काफी अच्छा उसका कलर आ जाता है सब्जी का। तो बची हुई जो भी हमारी जार में है ग्रेवी वो हम पूरी ले लेते हैं इसमें। तो अब हम फिर से गैस को ऑन कर देंगे, और इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से जो सॉल्ट लिया हमने वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इस ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है तब तक कि ग्रेवी से ऑयल अलग ना दिखने लगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। तो ये सारे मसाले हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। ग्रेवी को भुनने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो ये हमारी ग्रेवी से मसाला बिल्कुल, ग्रेवी का जो मसाला है बिल्कुल पक्के रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल ऑयल इसका अलग होना शुरू हो गया है ग्रेवी से, और काफी अच्छा इसका कलर आ गया है। तो इसको एक बार थोड़ा सा हम चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, आप चाहे तो मार्केट वाली क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घर के दूध की निकली हुई मलाई को मैंने फेंट के ले लिया है। तो 2 चम्मच मैं यहाँ मलाई ऐड कर रही हूं, इससे काफी अच्छा फ्लेवर हो जाएगा कढ़ाई पनीर का। और इसको थोड़ा सा हम रेगुलर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मलाई को, मलाई तब तक ग्रेवी में एकदम मिक्स ना हो जाए थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे। तो कई बार क्या है मलाई फट भी जाती है अगर हम उसको थोड़ा चलाएं नहीं तो। तो ये लगभग हमारी जो है मलाई मिक्स हो गई है ग्रेवी में। अब इसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी में हम पानी ऐड कर लेते हैं, तो इसमें लगभग 1 कप के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूं, और पानी हमको यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे तो ग्रेवी का जो कलर है वो काफी अच्छा आएगा और सब्जी का टेस्ट भी खराब नहीं होगा। तो इसमें पानी आप हल्का गर्म करके इसमें डालें। तो ये 1 कप के करीब मैंने पानी इसमें डाल दिया है, तो इसको हल्का सा पानी को हम थोड़ा सा ग्रेवी को हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे थोड़ा सा ग्रेवी में।
और इसमें अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। ये घर की बनी हुई कसूरी मेथी है, इसका काफी अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो मार्केट की भी यूज कर सकते हैं। और घर में किस तरीके से हम अच्छी कसूरी मेथी बना के तैयार कर सकते हैं ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। कसूरी मेथी से काफी अच्छा स्वाद निखर के आता है कढ़ाई पनीर का। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 पिंच गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने फ्राई करके सब्जियां रखी हुई थी तो वो इसमें मिला लेते हैं हम। तो ये प्याज और कैप्सिकम ऐड कर लेते हैं। और ये पनीर भी ऐड कर लेते हैं। इसको भी हमने हल्का सा दोनों तरफ से फ्राई करके रखा था, इससे काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इनको हम सब्जियों को थोड़ा सा ग्रेवी में हम मिक्स कर लेते हैं। और इस लेवल पर आप थोड़ा सा टेस्ट करके ग्रेवी को, इसमें आप नमक को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा मिला सकते हैं। तो ये सारी सब्जी हमने ग्रेवी में मिक्स कर ली है, तो थोड़ा हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि पनीर काफी सॉफ्ट होता है तो वो टूटना नहीं चाहिए। तो अब इसको हम बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसको ढक के हम 7 से 8 मिनट तक हम ग्रेवी में इसको पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार हम थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे हल्के हाथ से। तो बीच बीच में हम थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर से ढक के 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे जो ग्रेवी का सारा जो स्वाद है वो पनीर में चला जाएगा और काफी अच्छा कढ़ाई पनीर हमारा बन के तैयार होगा। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं कढ़ाई पनीर को पकते हुए, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट पक के रेडी है। तो अब इसमें हम फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला लेंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कढ़ाई पनीर का जो टेक्सचर आया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छा कलर आ गया, बहुत ही अच्छी शानदार वाली महक आ रही है और बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो ये हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्वाद वाला कढ़ाई पनीर बनके झटपट से रेडी है। तो रेसिपी को आप ट्राई करें, कैसी बनी है कमेंट जरूर करें। पसंद आई अगर आपको रेसिपी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में। और इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सिक्योर किचन को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए नए वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर हाजिर होंगी मैं इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।